ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي आसान अरबी ग्रामर का हिस्सा अव्वल हम कर रहे हैं और आज हम मुरकबात के सेक्शन में से समझेंगे मुरकब जारी, मुरकब इशारी और अस्मा इस्तफहाम। मुरकब जारी क्या होते हैं? अरबी में कुछ हरूफ ऐसे हैं कि जब वो किसी इस्म पर दाखिल होते हैं तो उसे हालत जर में ले आते हैं। उन हरूफ को हम कहते हैं हरूफ जार, यानी ये वो हरूफ हैं जो इस्म को हालत जर में कर देती है और जिस इस्म के ऊपर ये आते हैं उनको कहते हैं मजरूर। मुरकब जारी क्या होता है? मुरकब जारी में हर्फ जार और मजरूर मिलकर ये मुरकब बनाते हैं। अब मुरकब बनाने के लिए हमारे पास कौन कौन से हरूफ जार हैं? ये कुछ हरूफ हैं जिनको हम हरूफ जार कहते हैं। अगर ये किसी इस्म पे आएंगे तो उन्हें हालत जर में ले आते हैं। इनको कहते हैं बाओ, ताओ, काफो, लामो, वाओ, मुंज, मुत, खला। रब्बु हाशिया मिन अदा फी अन अला हत्ता इला। ये इसलिए कि ये आप इसको इस तरह याद कर सकते हैं। अब इनके मायने देख लेते हैं। वाव बी के मायने में आता है बाजिर बी, और जैसे कि हम कहते हैं बिल किताब, बिल कलम, इसके मायने होंगे के किताब के साथ, बिल कलम कलम से। ताव कसम के लिए आता है, ता जबर ता, तल्लाही अल्लाह की कसम। काफू काफ है, काफ जबर का के मायने है मानिम जैसा। मिसाल है हमारे पास वशजरिन दरख्त की तरह, का रजुलिन किसी मर्द की मानिम, कल असदी शेर की तरह। लामु लिए इसके मायने है वास्ते, को या के। लिल्लाही अल्लाह के लिए, ली जईदिन जैद के वास्ते। वाव ये भी कसम के लिए आती है, ताओ भी कसम के लिए आती है और वाओ भी कसम के लिए आता है। वाह हुर्फ अतफ भी है, तो जुमले को हमें गौर से देखना पड़ेगा कि ये किस तरह आ रहा है। अगर ये सिर्फ इसम पे आ रहा है तो फिर ये अस्मिया होगा, उर्फ जार होगा। अगर वाओ दो इस अस्मा के बीच में है तो फिर उर्फ अतफी होगा। मिसाल देख लेते हैं, वल अस्र बहुत कॉमन सूरत है हमारे पास, सूरत असर, उसमें वल असर है। कसम है असर की, जमाने की, अल्लाह ने कसम खाई है। मिन मिन का मतलब है से। मिसाल है मिन जईदिन, मिन अल्लाह, मिन अल मस्जिद। फी में मिसाल है फी बैतिन, फिल मस्जिद। अन की तरफ, अन का मतलब है की तरफ से। अन जईदिन, अन उमरिन, अला पर, अला मिसाल है अला फरसिन घोड़े पर, अला अला रसूली वसल्लम पर, जैसे कि हम दुरूद शरीफ भेजते हैं सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। इला की तरफ, इलल बैती घर की तरफ, इलल मस्जिदी मस्जिद की तरफ। अभी कुछ हमारे पास मिसाल है मुरकब जारी की कि अला सिराती में हम गौर कर सकते हैं कि अला उर्फ जार है और ये पहले आया है और सिरातिम बाद में आया है। सिरातिम की हालत अगर हम देखें तो यहाँ पे ये हालत है जर में हो गई है। सिरातिम है तो के नीचे दो जेर है और ये नकरा है इसलिए दो जेर आई है। तर्जुमा होगा किसी रास्ते पर, तर्जुमा उल्टा हो रहा है। अला जो है वो हमारा आखिर में आया है और सिरातिम रास्ता शुरू में आया है, और चूंकि ये नकरा है इसीलिए किसी रास्ते पर तर्जुमा किया गया है। फवाइद क्या हैं?
और सालसा है कि दो अज्जा होते हैं, एक हुरूफ़े जार होगा और दूसरा इसे मजरूर हालत में होगा। पहले हुरूफ़े जार आएगा और बाद में मजरूर आएगा। तर्जुमा तरतीब उलट कर करेंगे। एक बहुत अहम है कि जब ये लाम जेर ली जब जमीर पे दाखिल होगा तो उसकी शक्ल लाम जबर ला हो जाती है। मसलन लाम जेर ली है तो लाम जेर ली नून अलिफ ना पे आ रहा है तो ये हो गया लना, लिना नहीं हुआ लना कहलाएगा। दूसरा दूसरा रूल गया ये है कि ये जब किसी ये हरूफ हरूफ जार जब किसी मौर्रफ बिल लाम पर आते हैं तो उनका हमदतुल वसल लिखने में भी गिर जाता है। जैसे कि अगर हम अल मुत्तकीन है उसके साथ लाम जेर ली लगा रहे हैं तो ली अल मुत्तकीन लिखना भी गलत होगा, बल्कि हम इसे लिखेंगे लिल मुत्तकीन। आप देख सकते हैं कुरान पाक में ये बहुत ज्यादा आया है, अल ली अल्लाह ही नहीं लिखते लिल्लाह ही लिखते हैं। अब ये कुछ अल्फाज के मायने हैं जो आपको याद करने हैं। हदीकतुन बाग, बिर्रुन नेकी, यमीनुन दाने हाथ दाने तरफ, माँ मजाफ आता है, तुराबुन मिट्टी, जुल्मतुन अंधेरा, शिमालुन बाई तरफ, जिल्लुन साया। तर्जुमा करते हैं तजिया करने के साथ साथ। फी हदीकतिन किसी बाग में, फिल हदीकतिन एक बाग में, मिन तुराबिन किसी मट्टी से, मिनत तुराबी किसी खास मट्टी से, बिल वालिदैनी इसका तजिया करें, बिल वालिदैनी। बिल वालिदैनी आपको क्या लग रहा है? आपने देखना है कि ये बिल वालिदैनी में ये हालत जर में तो है, लेकिन आपने ये बताना है कि ये हालत इसकी तस्निया वाली है या जमा वाली। तो ये आप चेक करके मुझे बताएंगे कि बिल वालिदैनी है, दाल ये हुर्फ लेन आ रहा है तो ये किस में हमने हुर्फ जो इसम है वो किस उसने बनाया है, ये तस्निया का हुर्फ जार बना है या ये जमा का हुर्फ जार बना है। अला सिरातिन ये सादा सा है, इलल मस्जिद ये भी आप आराम से पहचान सकते हैं कि इसमें हुर्फ जार ने मुरक्कब जारी बनाया है। ली उरूसिन दुल्हन के लिए, लिल उरूसी एक खास दुल्हन के लिए, का शजरतिन किसी दरख्त के मानिंद, का जुलुमातिन अंधेरों के मानिंद, लका आपके लिए, ली मेरे लिए, मिन्नी मुझसे, इलैया मेरी तरफ, अलैना हम पर, बी मुझसे, और अलबिर्री नेकी की तरफ या नेकी पर। उर्दू का तर्जुमा बिस्मिल्लाह, हमें पता ही है बिस्मिल्लाह शुरू होती है, हमारी बिस्मिल्लाह ही से शुरू होती है। आप इसका तजिया करेंगे, अल्हम्दुलिल्लाह मिर रब्बी का इला सिरातिन मुस्तकीम, अल्मुहसिन अल्मुहसिनु करीबुम मिनल खैरी व बईदुम मिनल शर्री। अल्मुहसिनु यहाँ पे अगर देखिए तो ये इसमें रफा हालत में है, इसमें कोई हुर्फ़े जार नहीं आया इसलिए अल्मुहसिनु रफा हालत में है, और ये इस्मिया है, जुमला इस्मिया है तो ये मुब्तदा है। करीबुन अल्मुहसिनु मारफा हालत में था, करीबुन नकरा हालत में है, करीब है ये खबर है कि मोहसिन एहसान करने वाला करीब है, मिनल खैरी किससे करीब है, खैर से करीब है। मिनल खैरी ने खैर के नीचे जेर लगा दी है मिन की वजह से, खैर पे जो है वो खैर हालत जर हालत में आया है। वाह उर्फ अतफ है, वह बरीद उन और दूर है बल्कि बहुत दूर है, मिनल शर्री शर से बहुत दूर है, यानी एहसान करने वाला मोहसिन करीब है खैर से और बहुत दूर है शर से। फिर हदीस के अल्फाज हैं, तलबुल इल्मी फरीदतुन अला कुल्ली मुस्लिम व मुस्लिमतिन। तलबुल इल्मी गौर से अगर देखें तलबा तलबू तलबू है हमारे पास रफा हालत में है लेकिन इस पे अल नहीं लगा है और आगे अल इल्मी आ रहा है, ये उर्फ जार है, ये इसमें हालत जर में, लेकिन ये जो इसमें हालत जर में ये है मुरक्कब इजाफी,
यहां से लेके यहां तक जो हमारे पास इस्तेमाल हुआ है ये हमारे पास मुरकब इजाफी है, जिसमें अल इल्म जो है वो मुजाफ इलेह है, तलब इल्म यानी इल्म की फर्जियत, इल्म का तलब करना, इल्म हासिल करने की तलब, फरीदतुन फर्ज है, ये खबर है, फरीदतुन नकरा हालत में है और ये रफा है, और तलबुल इल्मु मुब्तदा है, अल इल्मु बता रहा है कि ये मारफा हालत है। तो तलबुल इल्मु यहाँ पे मुरकब इजाफी होने के साथ साथ जुमला इस्मिया बना रहा है, और ये खबर, ये इस्मिया का जो स्टार्ट होता है, हमें पता है कि जो सब्जेक्ट होता है वो मुब्तदा कहलाता है जुमला इस्मिया में, तो तलबुल इल्मी मुब्तदा है और उसकी खबर है, फरीजतुन ये फर्ज है, नकरा हालत में है। अब किस पे फर्ज है, आगे एक्सप्लेन हो रहा है, अला कुल्ली मुस्लिम, अला ये हुर्फे जार है, कुल्ली मुस्लिम, कुल्ली कहते हैं हर एक पर, अला कुल्ली, कुल्ली की हालत आप देख सकते हैं, ये हालत जर में आई है यानी मजरूर है ये इस्म, मुस्लिमिन व मुस्लिमतिन दोनों, मुस्लिमिन भी हालत जर में आई है और मुस्लिमतिन भी हालत जर में आई है आला की वजह से। तो तर्जुमा होगा कि इल्म हासिल करना फर्ज है तमाम मुसलमानों, मुसलमान मर्द और मुसलमान औरत पे। लहुम फिद दुनिया, लहुम अगर हम लहुम देखें तो ला हमारे पास मुरकबे जारी बना रहा है, क्योंकि ये मुरकबे जारी जमाए के साथ मिलके आ रहा है, तो जमाए के साथ मुरकबे जारी मिल सकता है, जैसे कि हमारे पास मुरकबे इजाफी बनता था जमाने के साथ, इसी तरह ये भी मुरकबे इजाफी ये भी जमाने के साथ बन सकते हैं। लहू यानी उनके लिए है, फिर दुनिया, फी यहाँ पे दुनिया को हालत जर में कर रही है, लहू फिर दुनिया खिज्यून उनके लिए खिज्यून है, लहू फिर दुनिया ये पूरा हमारे पास यहाँ से लेके यहाँ तक ऐसा मुब्तदा आया है, खिज्यून इसकी खबर है, लहू फिर दुनिया यानी उनके लिए है दुनिया में खिज्यून रसवाई, वाह हुर्फे अतफ है, वलहुम और उनके लिए है, फिल आखिरती आखिरत में अजाबुन अजीमुन, अजाबुन अजीमुन रफा हालत में है ये खबर है, इसलिए रफा हालत में है, और लहु फी का जो असर है वो सिर्फ आखिरत पे हुआ है, जो कि जुमला इस्मिया के अंदर मुब्तदा के तौर पे आ रहा है, और दो हमारे पास यहाँ पे ये मुरकबे अतफी भी है साइमल्टेनियसली, बिकॉज यहाँ पे बीच में वाव आया है, तो यहाँ पे जो मुब्तदा है वो मुरकबे अतफी भी है। इस तरह हम तजिया करेंगे, क्योंकि इसमें मल्टीपल हमारे पास रूल्स नजर आ रहे होंगे, तो जितने रूल्स हमें नजर आ रहे हैं हम वो सब बता देंगे। यानी लहुम को अगर हम देखें तो वो मुरकबे जारी है, फी के साथ फिर आखिरती फिर मुरकबे जारी है, फिर लहुम फिर दुनिया खिज्यून व लहुम फिर आखिरती अजाबुल अजीम मुरकबे अतफी है, इस तरह हमारे पास पूरा जुमला बना। हुआ रब्बुना, हुआ हमारे पास प्रोनाउन है, जमीर है, एक एक मुजक्कर के लिए इस्तेमाल होती है हुआ, और ये अल्लाह ताला की तरफ यहाँ पे इस्तेमाल हुई है, हुआ रब्बुना अल्लाह ताला की तरफ हम बता रहे हैं, हुआ वो रब्बुना वो हमारा रब है, रब्बुना वो हमारा रब है, ये हमारे पास मुजाफ और मुजाफ इलैह हुआ, रब्बुना मुजाफ और मुजाफ इलैह हुआ, हुआ रब्बुना व रब्बुकुम, और रबुना यहाँ पे हालांकि रफा है, वो हमारा रब है, वो रब्बुकुम और वो तुम्हारा भी रब है, ये भी मुरकब इजाफी है, और साथ साथ ये रबुना और रब्बुकुम अगर हम मिला के देखते हैं तो ये दो भी मुरकब अतफी है। फिर आगे आ रहे वलना और हमारे लिए है आमालुना, हमारे आमाल, ला उर्फे जार है और नून हमारे पास जमीर मुतसल्ला है, ऐसा ऑब्जेक्ट आती है, तो हमारे लिए है हमारे अमाल, अमालुना हमारे अमाल, अमालुना यहाँ पे मुरकब इजाफी है, अमाल और ना का लाकर एक मुरकब बना है, मुरकब इजाफी बना है, अमालु मुजाफ आया है, अल नहीं लगा हुआ इसलिए हमें इसको पहचाना है कि ये मुजाफ है, और ना जमीर है जो कि मुरकब इजाफी में भी आती है, वलकुम और तुम्हारे लिए है अमालुकुम तुम्हारे अमाल,
ये भी कुरान पाक की आयत है, बहुत ज्यादा इस्तेमाल हुई है, बहुत ज्यादा कुरान पाक में ये जिक्र आया है इसका। अरबी में तर्जुमा आप लोग खुद करेंगे। ये मिसालें हैं हमारे पास, कुरानी मिसालें देख लेते हैं। लेक्चर काफी बड़ा हो गया है। बिस सबरी बस सला, तो बकरा में आया है बिस सबरी, बाजेर भी हुर्फ जार है, इसने सबरी को जेर कर दिया है और वह सलात ही कभी जेर इसी बा की वजह से है। अला कल्बिक, अला की वजह से कल्बिका हुर्फ है, यहाँ पे कल्बिक जो है मुरकब इजाफी है और मुरकब इजाफी के अंदर कल्बुन होना चाहिए था, कल्बू होना चाहिए था, मुजाफ की हालत रफा होनी चाहिए थी, लेकिन अला की वजह से कल्बी हो गया, कल्बिका यानी आपके दिल पर। फी कुलूबिहिम कुलूब था बेसिकली, और जब ये मुजाफ के तौर पे आया तो कुलूबू हो गया और बाजिर भी फी की वजह से बाजिर भी में कन्वर्ट हो गया। फी कुलूबिहिम इन्ना की वजह से रहमता हो गया, हमें पता है इन्ना अपने जिसम को हालत नसब में कर देता है, इन्ना रहमत अल्लाही, और ये हमारे पास रहमत अल्लाही अल्लाह की रहमत, मुजाफ और मुजाफ अलैह है, मुरकब इजाफी है, करीबुन करीब है, इन्ना रहमत अल्लाही करीबुन, ये जुमला इस्मिया था सादा। मिनल मोहसिनीन, मिन हुर्फ जार है, इसको एक्सप्लेन कर रहे इस जुमले को, ये मिनल मोहसिनीन किन के करीब है अल्लाह की रहमत, मोहसिनीन के करीब है। मिनल मोहसिनीन, मोहसिनीन जमा है, मोहसिनूना था ये, तो मोहसिनूना जब हालत जर में कन्वर्ट हुआ तो ये बन गया मोहसिनीन, मिनल मोहसिनीन। हुन्ना लिबास लकुम, हुन्ना हमारे पास जमाइर है, प्रोनाउन आई है औरतों के लिए, हुन्ना वो औरतें, हस्बैंड वाइफ का बता रहे हैं अल्लाह ताला कुरान पाक में कि जो औरतें हैं वो मर्दों का लिबास है और जो मर्द है वो औरतों का लिबास है। हुन्ना लिबासुल लकुम यानी हुन्ना वो है लिबास तुम्हारा, तुम लोगों का लिबास, वो औरतें लिबास हैं तुम लोगों का, वह अंतुम और तुम लोगों लिबासुल लहुन उन औरतों के लिए लिबास। दिस इज ऑल अबाउट रकबे इशारे। जज़ाकुमुल्लाहु खैरा, बारकल्लाहु ली वलकुम वलिसाइरिल मुस्लिमीना वलमुस्लिमात।